हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं फिर से एक नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं बैठ के क्यों वीडियो बना रहा हूं, तो बैठ के वीडियो बनाने का जो मेन मकसद है वो ये है, आप देख सकते हैं धूप बहुत ही ज़्यादा धूप है बाहर, और जिसकी वजह से बाहर निकलने का हिम्मत ही नहीं होता है। तो मैं सोचा कि आज यहीं पर बैठ के वीडियो बनाऊँ, और ऐसे 5 कामों के बारे में आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत अच्छी सैलरी मिलती है इन कामों में। और कुछ लोगों का ये भी कमेंट होता था कि भाई आप सिर्फ ज़्यादातर लेबर वगैरह का दिखाते हैं, ड्राइवर का दिखाते हैं, है ना, या फिर मोबाइल क्रेन का, फोर्कलिफ्ट का, ये सब दिखाते हैं। तो जो लोग 10th पास या 12th पास है उन लोगों के लिए भी कोई अच्छा काम बताइए। तो भाई मैंने 5 कामों के बारे में यहाँ पे, जो कुवैत में नहीं बल्कि कोई भी गल्फ कंट्री में आप जाइए, ये 5 काम आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा अगर आप इन कामों सीख के जाते हैं और 2-3 साल का अगर एक्सपीरियंस करके जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अगर आप मेरे वीडियो को फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो इस पेज को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर कर दें। 5 काम हैं जो कि कम से कम आपकी जो सैलरी स्टार्टिंग सैलरी होगी वो कम से कम 60-70 हज़ार से ऊपर ही सैलरी स्टार्टिंग लगेगी, लेकिन शर्त यह है कि आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए और जो भी काम आप जानते हैं उस पर आपका अच्छा खासा एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। तो 5 काम हैं। पहला जो काम है वो है सेल्समैन का। अगर आप कुवैत आते हैं और अगर आपके पास डिग्री जो है वो 12th पास है या फिर आप 10th पास हैं, है ना, और आप अगर इंडिया में आपका 2-3 साल का अगर एक्सपीरियंस है, है ना, इंग्लिश अच्छी आनी चाहिए सेल्समैन के लिए, ये आप अच्छी तरीके से जहन नशीन कर लें, क्योंकि आपको अरबी तो आएगी नहीं, क्योंकि पहली बार अगर आप गल्फ़ कंट्री में आ रहे हैं तो आपको इंग्लिश जो है वो आपका अच्छा होना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि सेल्समैन की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, और इसमें सैलरी बहुत अच्छी सैलरी मिलती है, कम से कम स्टार्टिंग में आपका 60 हज़ार 70 हज़ार से स्टार्ट होगा, है ना, लेकिन शर्त यह है कि आपको इंग्लिश आनी चाहिए और इंडिया का कम से कम 1 साल या 2 साल का भी एक्सपीरियंस आपका रहा तो आप यहाँ पे कामयाब हो जाइएगा। चाहे आप दुबई जाइए या फिर कहीं भी जाइए, लेकिन सेल्समैन के काम पे आपको इंग्लिश और एक्सपीरियंस दोनों चीज़ जो है वो लाजिम होनी चाहिए। दूसरी चीज़ है सेल्फ टैक्सी ड्राइवर। सेल्फ टैक्सी ड्राइवर का मतलब ये होता है कि आप यहाँ आके कुवैत में आके आप खुद की गाड़ी चला रहे हैं। खुद की बोले तो ये भी इंडिया की जैसा नहीं है कि यहाँ पे ओला चलता है, ऊबर चलता है, कि खुद का गाड़ी खरीद लिए और ओला ऊबर में डाल दिए और आप चला रहे हैं, ऐसा नहीं है। कोई कफ़ील होता है, कोई कंपनी होती है जिसके पास 50 गाड़ी 100 गाड़ी होती है, और वो लोग बंदे को बुलाते हैं और अपने गाड़ी चलाने को देते हैं। जो यहाँ कुवैत में जितने भी पैसेंजर होते हैं उनको कहीं भी जगह लेके जाना होता है, घूमने के लिए जाते हैं या फिर कहीं भी जाते हैं, है ना, तो टैक्सी ड्राइवर में भी बहुत ही अच्छा कमा सकते हैं। अब मैं इसका रीज़न बताता हूँ। इससे पहले मैंने एक टैक्सी ड्राइवर का इंटरव्यू लिया था, अगर वो वीडियो देखे होंगे तो आपको उससे भी बहुत कुछ मालूम पड़ा होगा। वो भाई मेरे पाकिस्तान के थे, और उसमें एक चीज़ है कि कुवैत में, है ना, कि कुवैत में अगर आप किसी कफील ही का गाड़ी होता है, वो किसी कुवैती का गाड़ी होता है लेकिन वो कंपनी का नाम दे देता है, उसके पास 50 गाड़ी या 10 गाड़ी या 20 गाड़ी होते हैं और 10-15 बंदे, जितने गाड़ी होते हैं उतने बंदे को बुला के वो गाड़ी चलाने के लिए दे देते हैं, तो कफ़ील जो होता है ना वो आपसे लेगा सिर्फ 7 KD, है ना, दिन का जो है वो 7 KD आपका लेगा, पूरे दिन में आपका 7 KD लेगा, आपको गाड़ी आपके हवाले कर देगा, और आप पूरे दिन में जितना भी गाड़ी चला के आप कमा सकते हैं कमाइए, है ना, आपको कफ़ील कुछ नहीं देखने जाएगा ना बोलने जाएगा, बस उसको आप दिन के हिसाब से 7 KD दे दीजिए, और इसी तरीके से आपको 4 साल तक जो है आपको काम करना है। 4 साल तक के बाद, जब 4 साल आपका पूरा हो जाएगा, है ना, उसके बाद टैक्सी जो है वो आपकी हो जाएगी, यानी खुद की हो जाएगी, आपकी अपनी हो जाएगी, है ना, उसके बाद आपको कफ़ील को किसी तरह का कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा, सिर्फ 3 KD देना पड़ेगा, सॉरी 3 KD उसके बाद हर महीना देना पड़ेगा, लेकिन गाड़ी आपकी हो जाएगी, आप गाड़ी बेच सकते हैं या फिर आप कहीं लेके जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। तो 3 KD जो है वो 4 साल के बाद आप कफ़ील को दीजिए, बाकी आप जो भी कमाते हैं, दिन में आप 50 KD कमाते हैं, 100 KD कमाते हैं या 200 KD कमाते हैं, तो वो आपका खुद का रहेगा, कफ़ील इसमें कोई दखल अंदाजी नहीं करेगी। तो जो खुद का जो टैक्सी यहाँ पे चलाते हैं वो लोग भी बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं भाई, महीना का कम से कम 1 लाख रुपया, 1 लाख 20, 1 लाख 30, 1.5 लाख, इसी महीना में, वो तो पैसेंजर के ऊपर है, है ना, किसी महीना में 70 हज़ार, लेकिन बहुत अच्छा कमाई होती है इसमें भी। और दूसरा काम, तीसरा काम जो है वो बार्बर का है, यानी नाई जिसको बोलते हैं, बाल काटने वाला होता है ना, इसमें भी अगर आप अच्छा खासा अगर आपको बाल काटना आता है
और प्रोफेशनल तरीके से अगर आप बाल काटते हैं तो आपको इसमें भी बहुत ही बढ़िया सैलरी मिलेगी, है ना। जो कुवैती सब, हम लोग तो बस नॉर्मल सैलून में जाके बाल कटाते हैं, वहाँ पर भी 1.5 KD 2 KD लगता है, जो इंडिया का कम 600 रुपया हो जाता है, है ना। लेकिन जो लोग कुवैती होते हैं भाई, बेहतरीन सा सैलून होता है और बहुत ही मतलब अच्छा खासा उन लोगों को पैसा मिलता है, अलग से टिप्स मिलता है। तो बार बार के काम में भी आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं, है ना। बार बार का काम पे अगर आते हैं तो आप बहुत ही अच्छा पैसा कमा सकते हैं, आपकी लाइफ स्टाइल और आपकी लाइफ बदल सकती है, कहने का मतलब यही है। दूसरी चीज़ है कि जिम ट्रेनर की भी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है गल्फ कंट्री में, चाहे आप सऊदी ले ले, दुबई ले ले, या फिर कुवैत ले ले, कोई भी कंट्री हो गल्फ कंट्री में, जो जिम ट्रेनर होते हैं, है ना, उसको भी ज़्यादा एजुकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर 10th या 12th भी आप किए हुए हैं और आप हेल्थ से अच्छे हैं, जिम मतलब आपका बॉडी वोडी ठीक है, है ना, 2-4 साल इंडिया में आपने ट्रेनर किया है, ट्रेन किया है लोगों को जिम में जाके, तो फिर आप भी यहाँ पर आके भी बहुत अच्छा सैलरी कमा सकते हैं। जिम ट्रेनर की तो कम से कम 80-90 हज़ार से स्टार्ट होती है सैलरी भाई, है ना। तो इसमें भी बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और पाँच नंबर में जो जॉब है वो है सिक्योरिटी गार्ड का, है ना। 10th पास हो या 12th पास हो, है ना, अगर आप इंडिया में 1 साल 2 साल 3 साल जितने भी साल, अगर एक्सपीरियंस होना चाहिए भाई, मैं जो भी काम बोल रहा हूँ इसका एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप खुद की गाड़ी चलाने भी आते हैं, टैक्सी ड्राइवर में भी आते हैं, तो आपको इंडिया का लाइसेंस होना ज़रूरी है, है ना। सारा चीज़ मैं आपको इसीलिए क्लियर कर रहा हूँ ताकि आपको फिर कोई बाद में समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो सिक्योरिटी गार्ड की भी बहुत ही अच्छी सैलरी होती है। अगर आप किसी कंपनी में भी आते हैं तो कम से कम 160-150 KD से आपकी सैलरी जो है वो स्टार्ट होती है, है ना। उसके बाद आपका जो एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, सारा चीज़ कंपनी की होती है। और एक चीज़ है कि सिक्योरिटी गार्ड में जो ड्यूटी होता है वो 12 घंटे की ड्यूटी होती है, ये बात आप अच्छी तरीके से जान लें। लेकिन ये ऐसा जॉब है जो आपकी उम्र या फिर आपका जो क्या बोलते हैं कि उम्र और आपकी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आप जब तक ज़िंदा रहेंगे तब तक आप ये काम कर सकते हैं, और ना ही आपको कोई हटाएगा और ना ही आपको मना करेगा, है ना। तो ये 5 काम थी जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और गल्फ कंट्री में बहुत ही ज़्यादा इसकी डिमांड होती है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो मेरे वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और चलते चलते मैं आपसे एक चीज़ बता दूं कि भाई, वीडियो डेली अभी नहीं अपलोड कर पा रहा हूँ, क्यों, गर्मी की वजह से एक तो, और मतलब निकलना मुश्किल हो जाता है। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा धूप है, है ना, और इसी धूप में चल के वीडियो बनाना मतलब बहुत ही मुश्किल होता है। दूसरी चीज़ के फ्राइडे को छुट्टी मिलती है लेकिन फिर भी घूमने का मन नहीं करता है, बिकॉज़ के धूप बहुत ज़्यादा है, है ना। तो धूप ख़त्म मतलब ठंडी जब पड़ेगी तो इंशाल्लाह फिर हम आपको हर तरह की वीडियो अपलोड करने की कोशिश करेंगे। और आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो देखना है या फिर किस चीज़ के बारे में आपको जानना है, है ना, उस टॉपिक पे मैं इंशाल्लाह वीडियो बनाऊँगा। तो चलते चलते आपसे एक से छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप मेरे वीडियो को फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो इस पेज को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर कर दें। चलिए, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।